देवास जिले में अधिक कीमत पर शराब बेचने पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की और विभाग ने 5 कंपोजिट मदिरा दुकानों का लाइसेंस 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया। देवास जिले में अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले कंपोजिट दुकानों पर आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे ही एक मामले में 5 कंपोजिट मदिरा दुकानों का लाइसेंस 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित की गई दुकानों में बावड़िया नोवेल्टी, मक्सी रोड, खातेगांव और हरण गांव की कंपोजिट मदिरा दुकानें शामिल हैं। आबकारी विभाग ने इन दुकानों को 1 दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य शराब विक्रेताओं को अनुचित मूल्य वृद्धि से रोकना है और उपभोक्ताओं के हितों में काम करना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।